A very warm welcome to all the students of class 9. Myself Shivani from St. Javier's High School, Sudhapar, Balalganj. Today we are going to start chapter number 1, the fundamental unit of life. In this chapter you have studied that what is the fundamental unit of life, that is cell. Every living being is made up of cell. Chahe wo unicellular ho ya multicellular ho. But living organism ka sabse bada characteristic feature kya hai? कि वो सेल से बना हुआ है. तो सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट है. जैसे आपने देखा होगा कि जब घर बनता है, घर को ब्रिक्स से जोड़ा जाता है, ईंट जिसको कहते हैं. तो ईंट कई ईंट जोड़ते जोड़ते एक वॉल बन जाती है. उसी तरह कई सेल्स के जुड़ने से भी क्या होते हैं, जैसे सेल कंबाइन करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ये भी हम लोग इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया. देन आप लोगों ने सेल के बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जिन्हें की यूनिसेलुलर भी कहते हैं. यूनि मतलब ही क्या होता है, वन. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर. और जो मोर देन वन सेल होते हैं, जिनके पास मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर. तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, ये सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल. मल्टीसेलुलर कौन कौन है? मल्टीसेलुलर जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं. जैसे ह्यूमंस की बात किया जाए तो वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल. ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था. आई विल मूव फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका बेसिस क्या है डिवीजन का? तो बेसिस ऑफ डिवीजन इज न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, इनके जो सेल होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, या फिर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है. यानी इनके अंदर जो डीएनए होता है, जैसे हमारे अंदर जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है. लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो है वो एज सच पड़ा होता है सेल के अंदर. ठीक है, प्लस प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती. अभी हम लोग सेल पढ़ेंगे, फिर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे सारे चीज और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ज्यादातर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया. ठीक है, अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. यूकैरियोट्स की साइज जो है वो प्रोकैरियोट्स से, ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. जिनके पास एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, ये सबके सब किसमें कैटेगरी में आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. यानी सेल तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल किन किन स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, अब हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. What is a cell made up of and what is the structural organization of a cell? तो इस question का answer क्या होगा? Three common features is present in every cell, that is plasma, membrane, nucleus and cytoplasm. तो अगर main structural organization की बात की जाए, जो कि हर cell में present होगा, ठीक है, वो क्या होगा? Plasma, membrane, nucleus and cytoplasm. Next, membrane can also be called as cell membrane, plasma lemma, cytoplasmic membrane. Plasma membrane के ये सारे भी नाम है. अगर कोई ये बोल दे कि cell membrane क्या है, तो ये नहीं कि हमें पता ही नहीं कि cell membrane क्या है, या फिर plasma lemma क्या है, या cytoplasmic membrane क्या है, सबके सब plasma membrane का ही नाम है. Position क्या है? Thin living, flexible, transparent, electron microscopic, elastic, regenerative, semi-permeable membrane. क्या है? बिल्कुल पतली सी, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब कोई कलर नहीं है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, यानी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो. रीजेनरेटिव है, यानी कि
एक बार अगर खराब हो गई तो वापस से बन सकती है। सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमिएबल यानी कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ये अपने थ्रू पास आउट होने देता है या अंदर एंट्री देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो दो तरह का नेचर होता है ऑर्गेनिज्म का, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। तो डायनेमिक मतलब कि जो मूव करता है, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो एक जगह प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट्स क्या है, स्टैटिक है, वो मूव नहीं करते। ह्यूमन बींग्स क्या है, एनिमल्स क्या है, डायनेमिक है। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, डायनेमिक है, फ्लूड है, ठीक है, फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर यानी लिक्विड है। एक्सटर्नल रीजन ऑफ सेल सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी सेल के बाहर वाला रीजन होता है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूड मोजैक मॉडल। इट वॉज प्रपोज बाई एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन इन 1972। तो पहले साइंटिस्ट ने कई मॉडल प्रपोज किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, लेकिन जो सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल है जो आज तक यूज हो रहा है वो है फ्लूड मोजैक मॉडल। तो जैसे फ्लूड होता है ना, जैसे लिक्विड, इमेजिन कीजिए कि जमीन के ऊपर ढेर सारा लिक्विड प्रेजेंट है और आपने मोजैक लाइक पैटर्न देखा होगा। बहुत लोग जमीन पे क्या होता है, व्हाइट मार्बल रहता है, उसके बीच में छोटे छोटे कलरफुल पत्थर लगवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मोजैक। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूड है और कई कंपोनेंट जो है वो मोजैक की तरह उसके अंदर प्रेजेंट है। इस मॉडल को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन। ये क्वेश्चन पूछा है, हु हैज प्रपोज द फ्लूड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज ए मोजैक ऑफ कंपोनेंट सच एज फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो फ्लूड मोजैक मॉडल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला गया है, कि उसमें मोजैक की तरह कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, और वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ईच फॉस्फोलिपिड हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड पॉइंटिंग आउटसाइड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल फॉर्मिंग द इनसाइड ऑफ द लेयर बाई लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लेयर यानी दो लेयर में ये प्रेजेंट है, और हर एक फॉस्फोलिपिड का दो एंड है, एक है उसका हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा है उसका हाइड्रोफोबिक टेल। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द बाई लेयर दैट गिव्स द मेम्ब्रेन अ मोजैक लुक। तो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन ही क्या है कि कहीं कहीं बाई लेयर में एम्बेडेड है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मोजैक का लुक मिलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी वेन सेल इज हीटेड और टेम्परेचर इज हाई एंड फ्लेक्सीबिलिटी वेन सेल टेम्परेचर इज डाउन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन है, जब सेल का टेम्परेचर हाई होता है या सेल हीटेड हो जाता है तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब सेल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल विद ए हाइड्रोफिलिक एंड हेड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक मतलब क्या होता है, एम्पीपैथिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे ये लिखा है, एम्पीपैथिक आर मॉलिक्यूल्स स्पेशली प्रोटीन हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। नाउ प्रोटीन्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो तीन तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्म चैनल्स टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स अक्रॉस द हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये चैनल बनाते हैं, जैसे रास्ता बनाएंगे। रास्ता किस चीज के लिए, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयन्स हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन से नहीं पास होते हैं, वो इन चैनल से पास आउट होते हैं। नेक्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल मतलब, पेरिफेरी मतलब क्या होता है, बिल्कुल किनारे। तो ये क्या होंगे, बिल्कुल किनारे में प्रेजेंट होंगे। आर फाउंड एम्बेडेड इन अ सिंगल लीफलेट ऑफ द मेंबर, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन
एंड रिलेट टू द अनदर। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम क्या है कि ये मूवमेंट का जो मैसेज होता है ये एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइको मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। स्टेबिलाइजेस द मेंबर एंड आर मेम्ब्रेन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस जो सेल टू सेल, सो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन्स, यानी कि अगर आप लोगों को देख रहा होगा तो ये फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर के अंदर है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, अभी बताया कि ये बिग मॉलिक्यूल्स और आयंस को पास आउट होने का रास्ता देते हैं, यानी मेम्ब्रेन के एक तरफ अंदर आने का ये टनल प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता। दूसरे क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे पेरिफेरी पे, इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, जो बाहर के तरफ होते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनको एक और नाम क्या दिया जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये मैसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज प्रोवाइड करते हैं। और तीसरे जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स ये क्या करते हैं, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी जो सेल्स होते हैं एक सेल से दूसरे सेल का कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ठीक है, अभी बताया कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब टेम्परेचर सेल का हाई होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और फ्लेक्सिबिलिटी कब प्रोवाइड करेगा, जब टेम्परेचर जो है वो डाउन है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, दो लेयर है, ये एक लेयर ये, एक लेयर ये, तो इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाई लेयर है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइको प्रोटीन्स है, जहां पे शुगर प्लस प्रोटीन होगा, यानी शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो क्या होंगे, ग्लाइको प्रोटीन। जहां कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स होंगे तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइको लिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद टू डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक इट हैव कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड कॉम्बिनेशन। तो कॉन्जुगेट मतलब क्या होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरे तरीके का मॉलिक्यूल क्या हुआ, लिपिड। अब क्या है, सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव, यानी कि जैसे हम लोग होता है ना कि हम लोग अगर कोई चीज सेलेक्शन करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया बनाते हैं ना कि अच्छा हाँ, जैसे अगर क्लास में कोई फर्स्ट आया तो इतने से इतने परसेंट वाला स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट, इतने से इतने सेकेंड, इतने से इतने थर्ड। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव होता है, यानी कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास आउट नहीं होने देता, ये या तो लिक्विड या तो स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ही अपने मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने देता है। तो ये सेमी परमिएबल है, बाई लेयर है। ठीक है, बाई लेयर है, जो अभी यहाँ पे दिखाया था, ये दोनों क्या है, बाई लेयर है। तो बाई लेयर में क्या होता है, इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, फॉस्फेट हेड होता है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो इसके थ्रू कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब आपने सुना होगा, हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है, वाटर हिटिंग। तो जो टेल होती है, क्योंकि वो फैटी एसिड से बना होता है, तो वो वाटर को रिपेल करती है या हिट करती है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होते हैं, लैक एन एफिनिटी फॉर वाटर। एफिनिटी मतलब क्या होता है, लगाव। तो ये वाटर को क्या करते हैं, हिट करते हैं। अनेबल टू एब्जॉर्ब और बी वेटेड बाई वाटर, वाटर फॉर वाटर, जिनको वाटर से प्यार है, लगाव है, वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक, और जिनको हेट है वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म दैट कंट्रोल सेल शेप, मेंटेन्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मूवमेंट। ठीक है, साइटोस्केलेटन अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। ठीक है,
साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस, इट इज द जेली लाइक मटीरियल प्लस द ऑर्गेनेलीज आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, सेल का फ्लूड, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे जो ऑर्गन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है? इट प्रोटेक्ट्स इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। इंट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है? सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है? सेल के बाहर। जैसे हम लोग क्या है, अगर जैसे घर के अंदर रहते हैं तो इंट्रा हो गया, जैसे ही घर के बाहर जाएंगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इट मीडिएट सेलुलर प्रोसेसेस बाय रेगुलेटिंग द मटेरियल्स दैट इंटर एंड एग्जिट द सेल। यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करेगा और एग्जिट करेगा, ये क्या होता है, इस प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है। सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, क्या एग्जिट करेगा। इट कैरीज मार्कर्स दैट अलाउ सेल टू रिकॉग्नाइज वन अनदर एंड कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर सेल्स वाया रिसेप्टर्स। तो आप लोग को इतना टफ फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा इजी होंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करके रखना। ठीक है, इसके अलावा ये सेल को क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल बनाता है। ठीक है, कि क्या मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करेंगे, क्या एग्जिट करेंगे, ये इस चीज को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एग्जिट करता है और बाहर निकलता है। ठीक है, द सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाई अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आप ये फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है, तो ये सेल के बीच से ही क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। इसको कोई टनल नहीं चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज क्या है, बिग मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है, बिग मॉलिक्यूल है, आयंस क्या है, बिग मॉलिक्यूल है। तो इनको ये एज ए सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज नहीं ये हो सकते हैं, तो इनको एक चैनल दिया गया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, ये सिंपली क्या करते हैं, सेल के बीच में से डिफ्यूज होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे कि आपने क्या होता है कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, आप एक बीकर ले लो और उसके एक साइड से एक ड्रॉप ऑफ इंक उसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखोगे जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस साइड ऑफ वाटर जाने की कोशिश करेंगे जहां पे इंक के मॉलिक्यूल्स नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफ्यूजर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का मूवमेंट कहां से, रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। जिस साइड के बीकर में आपने इंक डाला है वो क्या है, हायर कंसेंट्रेशन वाला रीजन है, और जिस साइड इंक नहीं प्रेजेंट है वो क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन। तो इंक के मॉलिक्यूल्स कहां भागेंगे, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। इट इज ड्रिवन बाय अ ग्रेडियंट इन कंसेंट्रेशन एंड दिस कॉन्सेप्ट is widely used in many fields including physics, chemistry, biology, sociology, economics and finance. तो यहाँ पे concentration gradient होता है। concentration gradient मतलब क्या होता है कि process of particles which are sometimes called solutes moving through a solution or gas from an area with a higher number of particles to an area with a lower number of particles, द एरियाज आर टिपिकली सेपरेटेड बाई अ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं, जैसे हम लोग भी क्या है कि मान लीजिए कि कोई गांव में रहता है, उसके पास खाने के रहने के बहुत अच्छे लग्जरीज नहीं है, और एक सिटी है जहां पे उसको हर लग्जरी मिल रही है, तो वो कहाँ मूव करेगा, सिटी की तरफ। तो ऐसा ही कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन अगर बना दिया जाए गाँव और शहर के बीच में, तो हमेशा लोग कहाँ से भागेंगे, गांव से शहर भागेंगे। क्यों, क्योंकि गांव क्या है,
पहले के जमाने की बात हो रही है, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और शहर क्या है, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो लोगों की मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब जहां आपको हर रिसोर्सेज मिल रहे हैं आप वहां से, मतलब जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहां से कहां भागना चाहोगे, वहां जहां की सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट आउट बाय द सेल व्हेन एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है, ये एक वेस्ट गैस है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको एक ये एक और कार्ड आता है, ये सेलुलर वेस्ट है। यानी सेल क्या है, जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को यूज करके, सॉरी, वो ऑक्सीजन यूज करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो ग्लूकोज के साथ वो एक वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल का वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, अपने बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, अगर ये हाई कंसेंट्रेशन में बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया या डिपॉजिट हो गया तो इससे बॉडी को डैमेज भी पहुंच सकता है। तो ये डायग्राम रहा, अभी मैंने बताया कि डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज हायर कंसेंट्रेशन से कहां भागती है, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो सपोज करते हैं सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, और एटमॉस्फियर, ये क्या है, एटमॉस्फियर है, तो एटमॉस्फियर के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत हाई है। तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। इसी तरह मान लेते हैं कि सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो बाहर से, अंदर से ये कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन है और सेल के बाहर क्या है, लो कंसेंट्रेशन। तो ये क्या होगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन क्या है, बाहर से कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल, सो एज सून एज देयर इज अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट CO2 प्रेजेंट इनसाइड द सेल मूव्स आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल मतलब बाहर के वातावरण में CO2 का कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, और सेल के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बना ना, एक गैप बन गया, एक तरफ चीजें ज्यादा है, एक तरफ कम है। तो जहां कम है वहां पे क्या होगा, जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन एंड वाटर ऑल्सो एंटर्स इन द सेल। इसी सेम पैटर्न पे ऑक्सीजन और वाटर भी सेल के अंदर एंट्री ऐसे ही करते हैं। यानी सेल के बाहर क्या है, वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो बाहर से वाटर अंदर जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन भी है, बाहर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके बीच में, सेल के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे, जैसे सेल के अंदर कोई भी गैस का कंसेंट्रेशन लो है, बाहर उसका हाई अमाउंट है, तो बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह सेल और उससे एक्सटर्नल एन्वायरमेंट पे गैसियस एक्सचेंज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स present in the chapter. Thank you.